बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल राफे। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि आपने सुजुकी 125 की वीडियो अपलोड की और उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए, तो आप एक कंपैरिजन हमें दिखा दें कि 125 सुजुकी 125 सुजुकी 150 और सुजुकी 110, इसका कंपैरिजन अगर मिल जाए तो क्या बात हो जाएगी। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं आज और लोग अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि भाई सुजुकी 110, सुजुकी 125 और सुजुकी 150 का कंपैरिजन, उसके फीचर्स, उनमें क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और ये हमारी राइड, इस पे हम जाएंगे सुजुकी 125, 110 और 150 का रिव्यू करने। रिव्यू तो हम दे चुके हैं ऑलरेडी 125 का, अब हम देंगे कंपैरिजन। तो हम जा ही रहे थे कि बीच में जो है अजान हो गई, तो हमने कहा सबसे पहले तो नमाज़ पढ़नी है भाई, नमाज़ कायम करना तो ज़रूरी है, पांच वक्त की नमाज़ कायम करनी चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि पांच वक्त की नमाज़ पढूं, आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप लोग भी कोशिश करेंगे पांच वक्त की नमाज़ पढ़ें, और जैसे ही अजान की आवाज़ आए फ़ौरन मस्जिद की तरफ चले जाएं और कोशिश करेंगे जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। देखते हैं कि क्या डिफरेंस है तीनों बाइक्स में और आपको बताते हैं, आपको दिखाते भी हैं। चलते हैं सुजुकी शोरूम की तरफ। तो ये है सुजुकी GSX 125। बाइक बहुत अच्छी है, इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आपने इसका रिव्यू देखना है तो ऊपर जो आई बटन पे लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये आ गई सुजुकी 150 GS। सुजुकी 150 GS सबसे कामयाब बाइक है सुजुकी कंपनी की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुजुकी GD 110। सुजुकी GD 110 भी बहुत अच्छी और ड्यूरेबल बाइक है। आजकल लोग सुजुकी GD 110 को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आ जाते हैं कंपैरिजन की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं सुजुकी 150 की। सुजुकी 150 GS के मीटर की बात करें तो मीटर में तमाम ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट फ्यूल गेज मिसिंग है। साइड ग्रिप की बात करें तो इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिल जाता है, लाइट ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, इसके अलावा आपका किल स्विच मिल जाता है। और लेफ्ट ग्रिप की बात करें तो सबसे पहले आपको मिल जाता है हेडलाइट हाई बीम और लो बीम स्विच, इसके अलावा इंडिकेटर स्विच और हॉर्न बटन। फ्यूल टैंक की बात करें तो 12 लीटर्स का टैंक है, और एवरेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 37-42 किलोमीटर पर लीटर। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और बैक पे कैरियर मिल जाता है। इसके अलावा ये आ गया आपका टेल लाइट और इंडिकेटर्स। तीनों ही बाइक्स में स्टार स्टाइल अलार्म्स आते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली सुजुकी 150 GS के अलार्म्स पसंद हैं। बाइक में एक इशू ये है कि इसके साइलेंसर में रस्ट बहुत जल्दी लग जाता है। और तीनों बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी मुझे सुजुकी 150 GS की ही लगती है। सुजुकी 150 एक ऑलराउंडर बाइक है, चाहे आपको सिटी में चलाना हो, लॉन्ग पे चलाना हो या फिर टूर पे लेके जानी हो, ये हर लिहाज से बेस्ट है। सुजुकी 150 के प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस 3,10,000 है। ये फैक्ट्री प्राइस नहीं है, इसमें ओन इंक्लूड है क्योंकि ये बाइक डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अगर सुजुकी GSX 125 से कंपेयर किया जाए तो इस प्राइस ब्रैकेट में भी ये बाइक बुरी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पावर मिल रही है क्योंकि ये 150 cc इंजन है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी सुजुकी GSX 125 से बहुत बेहतर है। तो अब बात कर लेते हैं सुजुकी GD 110S की। इसकी हाइट की बात करें तो हाइट बिल्कुल 70 जितनी ही है और लेंथ भी ऑलमोस्ट वैसी है। अलार्म्स और शॉक्स दोनों ही काफ़ी अच्छे और ड्यूरेबल हैं। सुजुकी GD 110 में बिल्ड क्वालिटी के कोई इशूज़ नहीं हैं। जम्स की बात करें तो जम्स पाकिस्तान के लिहाज से ठीक हैं। बैक पे मडगार्ड के ऊपर इंडिकेटर्स, टेल लाइट और कैरियर मिल जाता है। सीट की बात करें तो सीट में कोई शिकायत नहीं है, कंफर्टेबल है। राइट ग्रिप की बात करें तो इंजन स्टार्ट स्विच, किल स्विच और लाइट ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। और मीटर में तमाम ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन इसमें भी फ्यूल गेज का ऑप्शन नहीं है। लेफ्ट ग्रिप की बात करें तो सबसे पहले हॉर्न का बटन मिल जाता है, इंडिकेटर्स और हेडलाइट हाई बीम और लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है, और यह आ गई आपकी पेट्रोल चॉक। ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये येलो बटन जो आपको दिख रहा है, ये है डिपर। बाइक के फ्रंट की बात करें तो बाइक का फ्रंट मुझे थोड़ा ओल्ड स्टाइल लगा, जैसे कि होंडा की बाइक्स आती थी उसी स्टाइल में ये इन्होंने फ्रंट बनाया है। बाकी ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है। इस बाइक में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इंजन का साउंड बहुत ही कम है, बाइक बहुत स्मूथली चलती है।
फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक 9 लीटर्स का है, और फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ्यूल एवरेज लॉन्ग पे 54 किलोमीटर पर लीटर्स और शॉर्ट पे 45 किलोमीटर पर लीटर्स का एवरेज कंपनी क्लेम करती है। तो अब बात कर लेते हैं न्यू सुजुकी GSX 125 की। अगर बाइक के शेप की बात करें तो बाइक का शेप काफ़ी अच्छा है। सुजुकी GSX 125 एक कॉम्पैक्ट बाइक है। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो मेरे हिसाब से ये ओवर प्राइस बाइक है, क्योंकि इससे कम प्राइस में आपको सुजुकी 150 GS मिलती है और 25,000 ऐड करेंगे तो सुजुकी GR मिलती है। सुजुकी GR के प्राइस 3,85,000 है। 3,60,000 में ये बाइक परचेज़ करने से बेहतर है कि आप 3,85,000 में सुजुकी GR परचेज कर लें, वो एक अच्छा ऑप्शन है। अब तीनों ही बाइक्स के कुछ लुक्स आपको दिखा देते हैं। तो भाई ये था तीनों बाइक्स का कंपैरिजन, सुजुकी 110, सुजुकी 125 और सुजुकी 150 का कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया। इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको बता सका वो ठीक है, जो नहीं बता सका और आपको पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती है। अभी के लिए करते हैं अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।